हाय फ्रेंड्स फ्रेंड्स, मेरा दोपहर का खाना बन रहा है, गोभी की सब्जी और मैं पूरी बनाऊंगी। आज गोभी मैंने छौंक दिया है और ये मेरा बाबू नहाने जाने वाला है। एक सेकेंड, मेरी सब्जी लाल हो गई है और मैं चली गई थी कारखाने में। मेरे हस्बैंड रोई ढूंढ रहे हैं तो उसको निकालने चली गई, उसमें कुछ ज़्यादा ही लालियाँ हो गई। अब मैं इसको निकालूंगी। देख, किचन में बड़ी कीचड़ वीचड़ है, देख रहे हैं आप लोग। ये देखिए, ये भी मैंने पानी लगाया अपने बेटा का नहाने के लिए। हो रहा है कि नहीं? गर्म हो रहा है, मुझे बिजली से बहुत डर लगता है। और ये देखिए, ये मैंने प्याज काटा है, तेज पत्ता और सूखा मिर्च मैंने तड़का के लिए रखा है। हरा प्याज मटर भी इसमें डालेंगे। हरा मसाला ये मेरा, धनिया सब पीस लिए, उसमें मैंने मीट मसाला, धनिया पाउडर और क्या डाला, हल्दी इतना ही डाला है। वो सूखे मसाले जो है ना, इसमें कम पड़ेंगे क्योंकि मैं हरे मसाले भी डाल दूँगी। मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ। ये सब चीज़ें कभी कभी बनती है ना, जिस समय तेल मसाला थोड़ा चाहता है। मेरे यहाँ रेगुलर बनेगा ना, तो मैं उतना तेल मसाला नहीं डालती, मैं कम तेल मसाले में बनाती हूँ। तो मुझे और मेरे बच्चों को ना ज़्यादा तेल की सब्जियाँ, मेरे हस्बैंड को प्याज डालना जाएगा, पानी से मसाला डाल देंगे और फिर उसके बाद अपनी ये। और फ्रेंड्स देखिए, मैं इसी तरह खाना बनाती हूँ और मेरे किचन में ही पानी लगाने का ये बड़ा वाला बोर्ड यहीं पर है ना, तो यहीं पर पानी लगता है। और आगे पतीले देखिए, सब मैं आई हूँ, रुई निकाल के बाल भी मैंने नहीं झाड़ा, इससे सब रुई पड़ी हुई है। सब्जी और पूरी और सब्जी है, अब तक हम इसकी भिजाई अच्छे से करेंगे। पानी डाल, ये पानी लगा दिए, मुझे इतना डर लग रहा है ना। इसकी बच्चा उड़ रहा है, हाँ इस वक्त बज रहे हैं 12 बजे। मेरे घर में खाना बन रहा है, सही है, बाकी मेरा इतना पूरा परिवार खा पी के सब सो रहे होंगे, नींद मार रहे होंगे, मेरा खाना बन रहा है। तो ये बहुत मेरे किचन में मच्छा होता है। आज तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया है, मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ और मैं रेगुलर भी नहीं डालूंगी क्योंकि तो मुझे समझ में नहीं आता कि रोज़ मैं क्या रिकॉर्डिंग करूँ और मैं क्या डालूँ, इसलिए हफ्ते में सिर्फ एक बार मेरा जाएगा बस। आप लोग उसी को ही प्यार दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा प्लीज़, और फुल वॉच करिएगा। और नहीं फुल वॉच करना है तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 मिनट देख लिया करिए। मैं भी जानती हूँ कि जो हमारी YouTube फैमिली है, जो यूट्यूबर्स वगैरह है, वो फुल वीडियो नहीं देख सकते क्योंकि नहीं, उनके एक फ्रेंड्स तो होती नहीं, कितने कितने फ्रेंड्स होते हैं, 2-2, 3-4 फ्रेंड्स होते हैं, तो कुछ कुछ मिनट ही देख सकते हैं, तो फिर भी वो लोग सपोर्ट करते हैं, 3-4 मिनट देखते हैं। तो हम लोग इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तभी ना सब कुछ साथ में आगे बढ़ेगा। ओ, मेरा ब्लाउज देखिए फ्रेंड, प्रोग्राम देखा है कि मेरी बेटी का स्कूल का यूनिफॉर्म था समीर, तो उसका भाई इंटर कम्प्लीट हो गया, तो ये बेकार हो गया था। मैंने आप लोगों को दिखलाया था वीडियो में, मेरी किसी वीडियो देखिएगा आप लोग। और उसी का मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको ठंडी के लिए ब्लाउज बना लेते, मोटा कपड़ा है, काफ़ी आराम देता है ये। अभी मैं स्वेटर नहीं पहनती, बस यही पहनी रहती हूँ और सुबह शाम है तो काम ओढ़ने के लिए हो जाता है मेरा। फर्स्ट टाइम मेरे आज मटर आया है, तो फर्स्ट टाइम बहुत महंगा मटर है, 60 रुपये किलो है और उसमें भी दाने भी नहीं पड़े हुए हैं। आटे में मैंने फ्रेंड ना थोड़ा सा बेसन डाला है, अजवाइन, नमक और सोडा, रिफाइंड थोड़ा सा मोइन दे के मैंने इसको भुना है। बेसन डाल के बनाइए, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है पूरी की, बहुत टेस्टी लगती है।
टेस्टी लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, लाजवाब लग रही है। ये मैं अपने बाबू के लिए निकाल दूँ थोड़ा सा पहले। हो गया ये गौ माता का हो गया। सॉरी 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 सॉरी, मैंने निकाला नहीं है। ये मेरी गौ माता की, ये मेरे बेटे के लिए। आइए फ्रेंड्स, खा लीजिए गर्मा गर्म।